अमेरिका में बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद अब लोगों को कई ऐतिहासिक फैसलों की उम्मीद है। बाइडेन ने हाल ही में एक बड़ा फैसला किया है जो जलवायु समझौते को लेकर है। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बाइडेन ने पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी को जलवायु समझौते के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत के पद के लिए नामित करने की घोषणा की। पेरिस जलवायु समझौते के प्रमुख आर्किटेक्ट्स में से एक जॉन कैरी को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए नेतृत्व करने का एक और मौका मिल रहा है। जॉन कैरी की भूमिका महत्वपूर्ण होने की बात स्पष्ट है। कैरी जलवायु परिवर्तन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पहले सदस्य होंगे। कैरी ने ट्वीट किया, अमेरिका को जल्द एक ऐसी सरकार मिलेगी जो जलवायु संकट को एक राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के तौर पर देखेगी। उन्होंने कहा, मुझे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, हमारे सहयोगियों और जलवायु संकट के युवा नेताओं के साथ राष्ट्रपति के जलवायु दूत के तौर पर इस मुद्दे को उठाने पर गर्व है। ट्रंप ने औपचारिक रूप से ट्रांजिशन प्रक्रिया को शुरू करने की अनुमति देने के लिए सहमति व्यक्त की है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक डिजिटल सम्मेलन में पेरिस जलवायु समझौते का विरोध करते हुए वैश्विक नेताओं से कहा कि इस समझौते को धरती को बचाने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तैयार किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल की घोषणा की, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं, और ऐसा पहली बार है जब जलवायु के लिए विशेष दूत को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनाया जाएगा। बाइडेन चाहते हैं कि एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री, अलेहांड्रो मायोर्कास को गृह मंत्री, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत और एवरिल हेन्स को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया जाए। एवरिल हेन्स इस पद के लिए नामित होने वाली पहली महिला होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।